निकलने के लिए रेडी हो गए हैं और गाड़ी भी आ गया है, सामने पहुंच गए हम लोग बहन के यहाँ। बैक कर फाइनली पहुंच गई है। इधर देखा मेरे, रुक जाओ इसे। हाँ जी, तो वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। और देख लो अभी सुबह के 8 बज रहा है, जगा दिया गया जबरदस्ती। आकर एक चाचा दरवाजा पीटे जा रहे थे, हम डर गया अंदर से और अचानक से उठना पड़ गया। वैसे आज जाना है छोटकी बहनिया, यानी नई की दुल्हनिया, छोटकी बहनिया को लाने के लिए। तो अभी तो टाइम है 5 से 10 मिनट के अंदर हम लोग निकलेंगे, अभी गाड़ी आया नहीं है और हम जाएंगे। और फिर हमारे साथ एक और भांजा है और शायद से एक और वो भाई जाएगा, तो निकलेंगे उसके बाद से आगे आप लोगों को दिखाएंगे। फिर वहाँ निकलने के लिए रेडी हो गए हैं और गाड़ी भी आ गया है, सामने गाड़ी लगा है, बस वो एक भाई रेडी हो रहा है। ये देख लो, तो फाइनली पहुँच गए हैं। वो देख लो, ऊपर में मरवा लगा हुआ है छत पे, वही मकान है। पहुँच गए हम लोग बहन के यहाँ, बैक करवा देते हैं गाड़ी, उसके बाद से फिर चलते हैं घर पर। डेढ़ 2 घंटा के बाद लेकर हम लोग निकल रहे हैं। देख लो भैया, आगे कौशल बाबू बैठल हैं, ये रहा, ये भी पहुंचा हुआ था। डायरेक्ट पहुंचेंगे घर पे, उसके बाद से फिर मिलेंगे। ऐसा फाटक बनाया है कि जाम हो जा रहा है बेचारा का। फिर गिरा यार। हम लोग नदौल हैं, नदौल स्टेशन है, इधर पटना की ओर से आती है ट्रेन। गांव के सूर्य मंदिर है ये, तो गांव में तो पहुंच गए हैं, यहां पर प्रणाम करने आई है सूर्य भगवान को। अब तो ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं, थोड़ा सा और समय है, फाइनली पहुंच गई है। इधर देखो, बाकी ये सब लेडीज का प्रक्रिया है ना, ये सब में इंटरेस्ट है नहीं। अब चलो सामान वामान धोकर निकालते हैं, उसके बाद से फिर कपड़ा वपड़ा चेंज करेंगे। हाँ जी, तो फाइनली अपने घर पे, अभी फिलहाल दलान में हैं, जा रहे हैं घर में, ताला वगैरह खोलेंगे, पानी पियेंगे। बहुत मुँह सूख रहा है, मुँह सूखने वाला दिन आ गया है। यहाँ का सिस्टम कुछ अजीब है, सुबह और रात में इतना ठंडा लगता है कि बस पूछो नहीं यार। दोपहर में धूप में रह जाओ तो बस एकदम जैसा ऐसा लगता है मिर्गी आ जाएगा। तो जा रहे हैं, ताला वाला खोलेंगे, जाएंगे, फ्रेश होंगे, कपड़ा वपड़ा चेंज करेंगे। वैसे भी फिलहाल दूरा में, दूरा के अंदर और बाहर हमने साफ कर दिया था, 2 रूम छोड़ दिया हूँ, 2 रूम कर दिया था, और उधर रोड वो भाई कर दिया था। तो दूरा हमारा पूरा ठीक है, चकचक है, उधर सारा पत्तल वत्तल जला दिया था। अभी एक जगह घूमने जाना है, वो डिस्क्लोज अभी नहीं करेंगे, जाएंगे डायरेक्ट वही दिखा ही देंगे। ये देख लो, पोखर में मछली चल रहा है, थोड़ा बड़ा है, खाने लायक है। आई होप कि आप लोगों को दिख गया होगा, ऐसे कैमरा में तो नहीं बट ऐसे आँख से बिल्कुल एकदम काला काला दिख रहा है। ये देखो दिख गया अब। मैं बहुत दिनों से यहाँ सोच रहा था घूमने आने के लिए, घर से ज़्यादा दूर नहीं है, पर फिर भी आलस के कारण इधर आ नहीं पाते थे। एक सांप भी मेरे को दिख गया, देखो जा रहा है, दिखा अंदर घुस गया, वो देखो। इस पोखर में कोई मछली चुराने आएगा तो उसका सामना सांप से भी होगा। बहुत दिनों से मैं सोच ही रहा था, आज फाइनली आ गया और मेरा घर अब यहाँ से दिखाता हूँ कैसा है, कितना दूर है ये पोखर मेरे घर से। जो ये देखो वो वाइट वाला जो दिख रहा है, वही मेरा मकान है गांव का। देखो जूम करके, अभी उस पर पार्टी फंक्शन हुआ था, बांस अभी यूं ही लगा हुआ है। तो आज इस पोखर का भी हो गया। वैसे हम लोग बचपन में इसमें बहुत क्रिकेट खेले हैं, एक बार तो चोट भी हमें बहुत भयानक इसमें लग गया था। अच्छा खासा गड्ढा है ये, और इसमें अभी मछली पालन हो रहा है, मछली पाला जा रहा है, और अच्छा खासा पानी भरा हुआ है यार। वो नॉर्मल आदमी जैसे कि हम, तैरने नहीं आता है ना, इसमें कूदा तो डूब जाएगा एकदम, पक्का है कि डूब जाएगा। अभी बिल्कुल देख लो कैसा दिख रहा है सो। अभी फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ नहर में, ये हमारे यहाँ लोकल भाषा में पैन बोला जाता है, और जब बाढ़ आता था ना तो ये अच्छा खासा तभी चौला था, अभी तो पूरा एकदम कचरा कचरा हो रखा है और पेड़ भी सारा गायब है। इधर कहीं तो पेड़ था, इधर केला के पास लेफ्ट साइड में, जो कि कूद कूद कर सब नहाता था, भैया के एज ग्रुप वाले सब इसी पे से कूद कूद कर नहाता था। यहाँ हमें भी एक दो बार इनवाइट किया, पर हमें बड़ा डर लगता है। शाम के ऑलमोस्ट 6 बज गया है और हमारे घर में कोई नहीं है सिवाय मेरे मम्मी और भाभी और भैया और सारा कोई, पापा वापा चले गए हैं वहाँ पटना, और हम ही सिर्फ अकेले यहाँ पर हैं। और हमें, हमारा प्लानिंग यह है कि हम रहें यहाँ पर होली तक, पर अकेले रहना यहाँ ना बड़ा मुश्किल काम है। एक तो इंटरनेट नहीं चलता, इंटरनेट चलाने के लिए उधर बगीचा में जाना होता है, और दूसरी बात कि इंटरनेट तो छोड़ो, टावर ही नहीं रहता, इंटरनेट क्या चलेगा। दूसरी बात ये कि मतलब मन नहीं लगता, अब लोग है ही नहीं तो किससे बात करना, किससे क्या करना, मन ही नहीं लगता बिल्कुल। खाने पीने का चाची के यहाँ खा ले रहे हैं, बस सोने के लिए वो आता है भाई,
मन नहीं लगेगा तो हम भी निकल पड़ेंगे। होली के टाइम जब आया जाएगा, प्लानिंग है सबका होली में यहाँ वापिस आने का, तो वही करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और मिलते हैं ऐसे ही विलेज ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।